of SSG, we are going to read our geography chapter 13, natural resources, natural vegetation and wildlife. Prakritik sansadhan and wildlife, vanya jeevan. आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी कैन सी दैट न्यूज मेकर्स वन करे मुत्ता मथई वाज ए केनियन एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट. ये केनिया की एक पर्यावरणविद एंड राजनीतिक में सक्रिय व्यक्ति थी. इन 1970s मथई फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. उन्होंने शुरुआत की थी ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की. यह एक एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका जो फोकस था किस पर था, प्लांटिंग मोर ट्रीज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण का संरक्षण एंड वुमेन राइट्स. इन 1986 शी वाज अवार्डेड द राइट लिवलीहुड अवार्ड. अपने कार्यों के लिए उनको अवार्ड दिया गया राइट लिवलीहुड अवार्ड. In 2004, she became the first African woman and वे first African woman के रूप में जानी गई जिन्होंने रिसीव किया था नोबेल पीस प्राइज फॉर हर contributions टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस, सतत विकास, प्रजातंत्र और शांति के लिए जो उन्होंने योगदान दिया उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. Now let's see the web chart of types of vegetation here. वेजिटेशन वनस्पति. वनस्पति कितने प्रकार की होती है? वनस्पति को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड अदर्स. फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान एंड अदर्स कैटेगरीज. ट्रॉपिकल मॉनसून डेसीडियस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की कैटेगरीज में काउंट करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून डेसीडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय मॉनसून पर्णपाती वन. मेडिटेरियन फॉरेस्ट भूमध्य वन. नेक्स्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भूमध्य रेन फॉरेस्ट वर्षा वन. टेम्परेट डेसीडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट समशीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण पर्णपाती. डेसीडियस मीन्स पर्णपाती. मिक्स्ड मिश्रित वन एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट समशीतोष्ण शंकुधारी वन. ये कैटेगरीज होती है फॉरेस्ट की. ग्रासलैंड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड्स घास के मैदान एंड टेम्परेट समशीतोष्ण घास के मैदान. नेक्स्ट कैटेगरीज में आते हैं डेजर्ट्स, टुंड्रा प्रदेश एंड माउंटेन्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद डिटेल ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ. नेचुरल लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन में हम इंक्लूड करते हैं सभी प्रकार के प्लांट्स को एंड नेचुरल कंडीशंस. ऐसे प्लांट्स जो कि नेचुरल कंडीशन में ग्रो होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता और वे प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड करते हैं. वाइल्ड लाइफ में शामिल की जाती है वे सब प्रजातियां, स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश एंड एनिमल्स जो कि ग्रो करते हैं नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक वातावरण में.
दो फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को और वन्य जीवन को। अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाने वाला जो वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, वो टू टाइप के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनसे प्रभावित होता है। जस्ट लाइक क्लाइमेट, जलवायु। रिलीफ, रिलीफ मीन आसपास की विशेषताएं, मैदान जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनकी रिलीफ फीचर्स जो होती हैं, वो भी फैक्टर्स के रूप में प्रभावित करती हैं नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। दिस क्रिएट द डिफरेंट बायोमास ऑफ द अर्थ, यह एक अलग प्रकार के बायोमास, बायोमास मीन्स द वर्ल्ड्स मेजर कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज जो क्लासिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडिटर्मिनेंट वेजिटेशन और एडोप्टेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके आधार पर जो डिफाइन होती हैं, इस तरह के बायोमास को ये क्रिएट करती हैं, डिफरेंट बायोमास को अर्थ पर निर्मित करती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे वाइल्ड लाइफ महत्वपूर्ण होती है और इनका क्या प्रभाव ह्यूमन काइंड पर होता है और इसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है। ऑल थिंग्स वी नो नाउ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वितरण, किस तरह से हम वितरण देखते हैं हमारी अर्थ पर नेचुरल वेजिटेशन का एंड वाइल्ड लाइफ का। फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पर एक फैक्ट भी दिया गया है, जो चिंकोना ट्री है नॉन फॉर द मेडिसिनल वैल्यू, यह अपनी औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरियाज में यह पाया जाता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को हम सेल्वा के नाम से भी जानते हैं एंड ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनके अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं, वी विल नो नाउ। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फॉरेस्ट एवरग्रीन होते हैं, घने होते हैं, हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं और ये फर्नीचर मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं इन रीजन विद हॉट एंड वेट समर, जहाँ पर हॉट एंड वेट समर होती है, वार्म एंड ड्राई विंटर्स होती हैं। डेसिडियस ट्रीज शेड करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन। यहाँ पर प्रमुख ट्री इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, महागोनी, इबोनी, रोजवुड्स, रबर्स, लाइनस, क्रीपर्स एंड यूकेलिप्टस। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्री टीक, साल, देवदार, सैंडलवुड, फॉर्म एंड बैम्बू। इंपोर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स की प्रजाति इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, एंटीरियर किंगकुजू, पॉम्पाइन, पॉर्क्यूपाइंस, कैमलियन, क्यूसकस, ट्री फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, क्वेल्स, स्नेक्स, कॉपीपेरा, मंकीज, बैट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जैकेमर, पैरेट, पिजन, टूकॉन, मैकाउ, हॉर्नबिल, हमिंगबर्ड्स एंड मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट में टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, बियर, डीर, चीतल, पांडा, हिप्पोपोटामस, नीलगाय, बफेलो, स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स, स्पैरोस, वेलर बर्ड्स, होस्ट ऑफ वाटर बर्ड्स सच एज हेरन, क्रेन, डक एंड स्टॉक। रीगन, कहाँ पर ये ट्रीज पाए जाते हैं, ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल बेल्ट इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड मैनी ऑफ पैसिफिक, कैब्रियन, कैरिबियन, इंडियन ओशन आइलैंड्स एंड ऑन द वाइल्ड वर्ल्ड स्लॉप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ डेल्टिक वेस्ट बंगाल, आसाम एंड ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गैंगटिक प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यूज, ईस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यूज, लोअर हिमालयन फुटहिल्स एंड प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इसको भारत की माना जाता है। ट्रॉपिकल साउथ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से इनका डिफरेंस हम देख सकते हैं। मैप में कहां कहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये भी हम देख सकते हैं। टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस इन थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, फाउंड इन ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड, टेम्परेट लैटिट्यूड्स के। टिम्बर, रेजिन, गम एंड मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ के इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं।
मेडिटेरियन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं वेस्टर्न साइड्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स स्पेशली बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी. ये बॉर्डर बनाते हैं मेडिटेरियन सी का. टेम्परेट कन्फ्यूरियस टाइगर फॉरेस्ट पिन को कहा जाता है. नीडल शेप लीव्स यहाँ पर ट्रीज की पाई जाती है. शेप्ड ऑफ ट्रीज आर एडॉप्टेशंस ऑफ क्लाइमेट्स. क्लाइमेट के कारण यहाँ की एडॉप्टेशंस ट्रीज को जो अलग अलग शेप्स में पाई जाती है वो देखने को मिलती है. टिम्बर स्टडी इंडस्ट्रीज जो होती है यहाँ की वेल डेवलप्ड होती है. रेजियंस गम्स नट्स पल्प पेपर एंड मोस्ट फॉरेस्ट यहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ के पाए जाते हैं. इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं टेम्परेट डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट के ओक आश यूकेलिप्टस वेटल एल्म केडर डगलस फिर स्टाका स्प्रू मैपल बीच एंड बर्च ल्यूरल लैवेंडर कॉक ओक ऑलिव फिग्स मेटल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्व्स स्प्यूरस फिर पाइन एंड केडर सिल्वर बर्च जूनिपर हेमलॉक एंड सॉफ्टवुड टेम्परेट कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट के रूप में जानी जाती हैं. अलग अलग कैटेगरीज में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वॉल्फ बीट फॉक्स मिंक्स. यहाँ से आप नेम्स पढ़ सकते हैं. ये सब एनिमल्स हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं. ये हमारे मिक्स्ड टेम्परेट डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट में पाए जाने वाली कैटेगरीज के एनिमल्स हैं एंड दीज एनिमल्स आर रिलेटेड टू मेडिटेरियन फॉरेस्ट एनिमल्स. एंड टेम्परेट कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट में ओपोसम्स रेकॉर्न्स बीवर मस्कट्स मस्क ऑक्शंस लाइनिक्स वुड्स स्माउस सिल्वर फॉक्स सेबल मिंक आल्केन एंटीलॉप जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं. किन किन एरियाज में यह कैटेगरीज पाई जाती है. जापान कोरिया नॉर्थ चाइना ईस्टर्न कैनेडा नॉर्थ ईस्ट यूएसए एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपके टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिक्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं. मेडिटेरियन फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है वो आपका इंक्लूड करता है कोस्टल प्लेन्स हिल्स एंड माउंटेन्स बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी एंड एटलांटिक ओशियन इन नॉर्थ अफ्रीका. लास्ट कैटेगरी जो हमारी पाई जाती है टेम्परेट कन्फ्यूरियस एंड टाइगर फॉरेस्ट जिनको कहा जाता है ये पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया. ग्रासलैंड्स यहाँ पर मैप में ग्रासलैंड्स की दोनों कैटेगरीज दिखाई गई हैं टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. अलग अलग कैटेगरीज को हम मैप पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं. इनकी प्रमुख विशेषता होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फाउंड इन लो रेनफॉल एरियाज ओनली टॉल कोर्स ग्रास यहाँ पर ग्रो होती है. ट्रीज दैट स्टोर वाटर इन ट्रंक ऐसे ट्रीज जो स्टोर कर सकते हैं अपने तने में पानी को और स्मॉल लीव्स या थ्रोन ग्रोन स्कैटर्स यहाँ पर डेवलप होते हैं. ग्रासेस ड्राई अप ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में जो ग्रासेस होती है वो सूख जाती हैं लेकिन दोबारा से टर्न हो जाती है ग्रीन वेजिटेशन ग्रीन ग्रास के रूप में जब रेन्स की वापसी होती है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल फाउंड इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड्स विद लो रेनफॉल. शॉर्ट सॉफ्ट ग्रासलैंड्स यहाँ पर होते हैं. फ्यू स्कैटर ट्रीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं जस्ट लाइक विलो एल्डर एंड पॉपुलर. इम्पोर्टेंट ट्रीज के रूप में बेबॉब बॉर्डर ट्री भी इनको कहा जाता है एकेकिया. ट्रॉल ग्रासेस होती हैं जो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड्स के रूप में ग्रो होती हैं. इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स की कैटेगरीज यहाँ पर दोनों पार्ट्स में देख सकते हैं. लायन चीता हाइना लेपर्ड पैंथर जैकल जिराफ जैब्रा बफेलो गैजल डीर एलिफेंट्स राइनोस गुएनास फोल एंड वीवर बर्ड्स. टेम्परेट एरियाज में वाइल्ड बफेलो बिशंस पेंगोन एंटीलॉप्स प्रेरी डॉग्स वॉल रैबिट्स वाइल्ड हॉर्स काइटोस माउस मॉर्मोट पॉर्क्यूपाइन बर्डियर एंड स्पैरोस. रीगन्स कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. ब्राजील में कैम्पॉस के नाम से इनको जाना जाता है. वेनेजुएला में लैंडलॉस एंड सेंट्रल अफ्रीका में सवानास के नाम से इनको जाना जाता है. नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से टेम्परेट ग्रासलैंड्स जाने जाते हैं. साउथ अमेरिका में पैम्पास रशिया में स्टीपर्स ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड के नाम से इनको जाना जाता है. टुडे मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स हैव बीन क्लियर्ड. आज के समय में ये जो ग्रासलैंड्स हैं क्लियर हो चुके हैं टू मेक वे फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. किस चीज के लिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए इन ग्रासलैंड्स को क्लियर किया जा रहा है और यहाँ पर ग्रीन व्हीट कॉर्न एंड एनिमल्स रियरिंग के लिए इस एरिया को यूज किया जाता है. डेजर्ट्स
These are regions where rainfall is below than 20 to 40 centimeters. ऐसे एरियाज जहाँ पर जो बारिश का लेवल है वो 20 से 40 सेंटीमीटर से भी नीचे है, वहां पर शर्ब्स फॉरेस्ट में झाड़ियों वाले जंगल होते हैं, शर्ब्स छोटी बुशेस यहाँ पर पाई जाती हैं। दिस टाइप्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन इन फाउंड इन इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स, आंतरिक हिस्सों में कॉन्टिनेंट्स के समटाइम्स एक्सटेंड इनटू टेम्परेट रीजंस एंड ऑन वेस्टर्न साइड्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन इंक्लूड्स। यहाँ की जो वेजिटेशन होती है या वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पर जैग्रोपिक्स drought resistant vegetation यहाँ पर पाई जाती है, just like cacti, thorny shrubs, which have ability to store water. इनके अंदर पानी को store करने की ability होती है और ये कम पानी वाली availability पर भी survive कर पाती हैं। Thorny bushes spiny leaves होती हैं, इनकी long roots and fleshy stem होता है and rainfall is high जहाँ पर rainfall अधिक होता है। Tufts of coarse grass sometimes appear after the rains. Tufts जो होती है coarse grass रहती हैं जो कि बारिश के बाद ग्रो होती हैं, दिखाई देती हैं। डेट पाम्स अराउंड द ओसिस, ओसिस एरियाज के आसपास डेट पाम्स के ट्रीज पाए जाते हैं। फेंस फॉक्स, जैक रैबिट्स, रॉन्डर्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, ग्रेबिल, जेरबॉज, कंगेरू, रेड्स, स्कॉर्पियंस एंड बीटल्स यहाँ के प्रमुख एनिमल्स हैं। कैमल्स एंड एडॉग्स हैव फीट्स that can move on sand. Camels and dogs ऐसे animals हैं जिनकी feet ऐसे होते हैं जो sand पर, रेत पर चलने की ability रखती हैं and go without water for several days और कुछ दिनों तक के बिना पानी के भी survive कर पाते हैं। These animal feeds on screened plants like cacti and eat leaves, moisture withdrew. ऐसे animals क्या होते हैं, ऐसे plants पर जो cacti जैसे animals जो यहाँ पर plants होते हैं उनको eat करते हैं, उनकी पत्तियों को eat करते हैं और उनसे moisture को प्राप्त करते हैं। गेट वाटर, उन्हीं से पानी गेट करते हैं। एंड फीड ऑन शीट्स ऑन ग्राउंड, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स एस्केप द फियर्स हीट बाय हाइडिंग ड्यूरिंग द डे एंड फीडिंग एट नाइट। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वो दोपहर के समय में ड्यूरिंग द डे छिप जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा सके फियर से, हीट से, और फीड करते हैं रात के समय में एट नाइट। The desert vegetation in India is found in large parts of हमारे भारत में जो desert areas हैं उनमें count होते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, where rainfall is below 40 centimeter क्योंकि यहाँ की जो rainfall है वो 40 centimeter से नीचे है। A few trees of kikar, khair and babools are predominant यहाँ पर प्रमुख विशेषता में ये पेड़ पाए जाते हैं। In western Rajasthan rainfall जो है वो 25 centimeter से भी below है और इस कारण से यहाँ पर टिपिकल जैग्रोपिक्स वेजिटेशन पाई जाती है। डेजर्ट्स एरियाज बताए गए हैं यहाँ पर वर्ल्ड में, सहारा अफ्रीका में है, अटकामा साउथ अमेरिका, कलहारी अफ्रीका, मेजॉव नॉर्थ अमेरिका, चिनचैन्यू आपका नॉर्थ अमेरिका में है एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में, सेंड्रॉन नॉर्थ अमेरिका, अरेबियन एशिया, थार एशिया एंड गोबी डेजर्ट इन एशिया। नेक्स्ट इज टुंड्रा रीजन बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, जो हमारी अर्थ के आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स हैं इन दोनों सर्कल्स के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपकी टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। हियर द विंटर्स आर लॉन्ग यहाँ पर जो विंटर होती है बहुत लंबी होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है, बिटरली कॉल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल वेजिटेशन इन कन्फाइंड वेरी शॉर्ट एंड कूल समर। इस कारण से जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की वो बहुत छोटी जो समर होती है, ठंडी समर होती है वो भी, लेकिन बहुत वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसी में डेवलप होती है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दिस रीजन इंक्लूड यहाँ पर जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसमें ड्वार्फ विलो इन सेल्टर होलोस वैलीज एंड मोसेस एंड लैचेस, बेरी फ्रूट्स बुशेस लाइक कॉर्नबेरी एंड सम आर्कटिक फ्लावर प्लांट्स जो समर में ग्रो होते हैं, रेनडीर, पॉलर बियर्स, मक्स ऑस्कंस, आर्कटिक हेयर्स, फॉक्सेस, लेमिंग्स, पेंगुइन्स, वैलरसेस और सील्स यहाँ के एनिमल्स पाए जाते हैं। ऑल एनिमल्स हैव थिक कोट्स ऑफ फर, इन सभी एनिमल्स की जो स्किन होती है उन पर थिक फर पाई जाती है, एक मोटी फर की लेयर होती है जो उनको बिटर कोल्ड मंथ्स में ठंड से बचाने का काम करती है। डक्स, गीस, स्नो बंटिंग्स एंड अदर बर्ड्स मिग्रेट करते हैं यहाँ पर वार्मर रीजन से इन विंटर सीजन
एंड सम एनिमल्स लाइक रेंजीर आल्सो माइग्रेट, यहाँ पर रेंजीर जैसे एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। द वाइल्ड लाइफ इन आइस बाउंड अंटार्कटिक रीजन, जो अंटार्कटिक रीजन है जहाँ पर हमेशा बर्फ से कवर्ड एरिया पाया जाता है, इज कन्फाइंड द कोस्ट ओनली, जो कोस्ट होती है वहां पर उन एरियाज में ही डेवलप होती है। यहाँ पर दिखाए गए हैं पोलर रीजन के एरियाज में पाई जाने वाली वेजिटेशन एनिमल्स। माउंटेन वेजिटेशन, द क्लाइमेट वेजिटेशन फौना चेंज विद राइज ऑफ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है माउंटेन रीजन की क्लाइमेट चेंज होता है, वेजिटेशन भी चेंज होता है और वहाँ की वनस्पति भी आपको चेंज मिलती है। एज वन क्लाइम्स अप, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट गिव, जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं गिव वे टू मिक्स फॉरेस्ट, यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड देन कन्फ्यूजियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अबाउट 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर ओनली अल्पाइन ग्रासेस मोसेस एंड लाइसेंस ग्रो होती हैं, एंड अबाउट 5000 मीटर विच इज इन स्नो लाइन, जहाँ पर स्नो लाइन पाए जाते हैं नथिंग कैन ग्रो, जहाँ पर माउंटेन हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं ढकी रहती है, कवर्ड होती है बर्फ से, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं पाई जाती। स्नो लैपर्स, कॉमिक्स, आइबेक्स, याक, मुफलॉन्स, माउंटेन गॉड्स, यहाँ के थ्री कोट हेयर्स वाले एनिमल्स हैं जो कोल्ड वेदर्स में भी सर्वाइव कर पाते हैं। दे और ऑल्सो स्योर फूटेड, इनके जो फूड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि बर्फीले एरियाज में भी चलने की कैपेसिटी रखते हैं। नॉट लाइकली टू स्ट्रम एंड स्लिप एंड फॉल, ऐसे फील्ड्स होते हैं जो स्लिप नहीं होते, इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं और चल पाते हैं। द स्नोई ऑल, यहाँ पर देखा जा सकता है एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत अधिक ऊंचाई वाले एरियाज पर। इन इंडिया माउंटेन स्टिल्स हैव द बेस्ट फॉरेस्ट कवर, माउंटेन्स का जो एरिया है भारत का वहाँ पर बेस्ट फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। इन द लोअर फुटहिल्स, जो फुटहिल्स का लोअर एरिया है हमारे भारत का, टीक एंड साल यहाँ की प्रमुख विशेषता पाई जाती है वेजिटेशन के रूप में। हाईएस्ट स्लोप्स आर कवर्ड विद, जो हाईएस्ट स्लोप्स एरियाज है माउंटेन्स के वो कवर्ड होते हैं वैलनट्स, चेस्टनट्स, मैपल, आम्स एंड पॉपुलर एंड बर्च फॉरेस्ट। As temperatures decreases, जैसे जैसे temperature decrease होता है with height के ऊपर कन्फ्यूजियस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, यहाँ पर ऊंचाई पर जाते जाते कन्फ्यूजियस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, केजर एंड सिल्वर फील्ड अपीयर्स होते हैं, इस तरह के जंगल आपको दिखाई देंगे। बियॉन्ड 4000 meter ओनली ग्रासेस एंड श्रब्स कैन बी फाउंड, जो 4000 meter की ऊंचाई का एरिया है वहाँ पर आपको ग्रासेस एंड श्रब्स पाए जाएंगे, उस तरह की वेजिटेशन दिखाई देगी। इम्पोर्टेंस क्या होता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमें पता है जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है, जैव स्थैतिकी है, उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करते हैं, हमारे अर्थ के संतुलन को बनाए रखते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इनटू फूड एनर्जी, सन से जो एनर्जी उनको गेन होती है उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फॉर एनिमल किंगडम, जिसका यूटिलाइजेशन एनिमल प्रजातियों के द्वारा किया जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट, जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनके लिए घर, हैबिटेशन का काम भी फॉरेस्ट करते हैं। Each biomes has its own particular species. जितने भी आपको वनस्पति एरियाज देखेंगे आप, उन सभी में आपको निश्चित प्रजातियां पाई जाएंगी जहां पर एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। तो इस तरह से उनको हैबिटेशन देते हैं ये। They also help in reducing air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करने का काम करते हैं एंड कीप डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनको भी, इनके लेवल को भी डाउन करने का काम करते हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज ऑक्सीजन इन एयर, और हमारे एयर में ऑक्सीजन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ट्रीज इन फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो सोयल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, स्पेशली अलॉन्ग स्लोप्स, जो माउंटेन्स के स्लोप्स एरियाज हैं, इस तरह के जो स्लोप्स एरियाज होते हैं उनमें मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं। आप देखते हैं माउंटेन्स होते हैं, उनके स्लोप्स एरियाज से मिट्टी जो बह जाती है पानी के साथ, रेन के साथ, उसको रोकने का काम करते हैं।
एंड स्पेशली अलॉन्ग स्लॉप्स एंड रूट्स बाइंड सॉयल्स पार्टिकल्स, जो जड़ें होती हैं पेड़ों की वो सॉयल्स के मिट्टी के कणों को बाइंड अप करने का काम करती हैं एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग फ्लड्स, और जब बाढ़ आती है उसमें उनको बहने नहीं देती। रूट्स ऑल्सो अलाउ, जो रूट्स होती हैं पेड़ों की जड़ें होती हैं वो सरफेस रन ऑफ एंड पेनिट्रेट इनटू द ग्राउंड, जो सरफेस मिट्टी होती है सरफेस की उसको भी कवर करके रखती है, उसको भी बहने से रोकती है और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को भी रिचार्ज करने का काम करती है। कैसे? मिट्टी के थ्रू पानी जो होता है वो स्टोर होता है ग्राउंड लेवल पर, निचले लेवल पर स्टोर होता रहता है मिट्टी के थ्रू, यह ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है। ट्रीज जनरली इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर, जो हमारी एटमोसफियर है वातावरण है उसमें नमी को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं पेड़, एंड इनडायरेक्टली हेल्प इन रेनफॉल, और इनडायरेक्ट वे में बारिश को लाने में हेल्प करते हैं। वैरायटी ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के प्रमुख और माइनर प्रोडक्ट्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जस्ट लाइक टिम्बर, रेजियंस, गम्स, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स लाइक फ्लावर्स, लीव्स एंड ट्यूबर्स। ट्रीज कैन हेल्प रिक्लेम लैंड, ये रिक्लेम लैंड को रिक्लेम करने का भी काम करते हैं एंड हैज बीन रुइन बाय फॉल्टी मैनेजमेंट, ऐसी लैंड जो गलत मैनेजमेंट के कारण, फॉल्टी मैनेजमेंट के कारण खराब हो जाती है उसको रिक्लेम भी करते हैं, दोबारा से पुनर्जीवित करने का भी काम करते हैं। थ्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, मीन्स इनके लिए क्या रीजंस है, नंबर ऑफ थ्रेट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। डेफोरेस्टेशन, किसके कारण हमारा जो वन्य जीवन है वो नष्ट हो रहा है। डेफोरेस्टेशन मस्ट बी फॉरेस्ट लैंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ए रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा है और उनको फार्म लैंड्स के रूप में इंक्रीज किया जा रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या की फूड जरूरतों को पूरा करने के लिए। एंड वेंटर डिस्ट्रक्शन एंड डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर टिम्बर एंड वुड, टिम्बर और वुड की जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग भी इसका डिस्ट्रक्शन का मेन कारण है। बिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जो जंगलों की आग होती है उसके कारण भी मिलियंस ऑफ ट्रीज नष्ट हो जाते हैं और ये सब किसके कारण ऑक्यूर होते हैं, ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण ऑक्यूर होते हैं। अब इस क्राइसिस को कैसे समाधान किया जाए, इसका कैसे समाधान बनाया जाए, साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना होगा थ्रू वेल प्लान सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, इसके लिए हमें जंगलों के निर्माण के लिए फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए प्रोग्राम को डेवलप करना होगा। टेक मेजर्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी कुछ कदम उठाने होंगे। बर्न ओवर एरिया शुड बी रीप्लांटेड, ऐसे एरिया जो जल गए हैं फॉरेस्ट फायर के कारण उनको दोबारा से रीप्लांट किया जाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो। एंड पीपल मस्ट बिकेम मोर विजिलेंट, और इसके लिए पीपल्स को भी इच्छित होना चाहिए, उनके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। अंडरटेक एफोरेस्टेशन एंड रीफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और रीफोरेस्टेशन पुनः फॉरेस्टीकरण करना, ये प्रोग्राम भी जल्दी से जल्दी अंडरटेक किए जाने चाहिए। वी नीड टू रिप्लांट वास्ट एकर्स ऑफ लैंड, हमें बड़ी मात्रा में ऐसी लैंड को भी कवर करना चाहिए वेयर कटिंग ऑफ रिक्वायर एंड इंश्योर फ्यूचर सप्लाईज, जहाँ पर कटिंग जरूरी है और फ्यूचर सप्लाईज के लिए भी इनको निश्चित किया जाना चाहिए। टू बी क्रिएट रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर इज नो एनक्रोचमेंट इज अलाउ, ऐसे एरियाज को रिजर्व भी किया जाना चाहिए जहाँ से किसी भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उन एरियाज को दोबारा से नष्ट ना किया जा सके, वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसे एरियाज को रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन को कैसे संरक्षण दिया जाए, कैसे उनको संरक्षण देना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीवन है या वाइल्ड लाइफ है वो एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं हमारी नेचर में, और यह बैलेंस मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एंड इट कुड लीड नॉट जस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज बट ऑल्सो हार्म फॉर एनवायरमेंट, इसके कारण ऐसा नहीं है कि केवल अलग अलग एनिमल्स की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, बल्कि ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हानिकारक है। वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड फिशेज इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए,
बट ऑल्सो स्टिमुलेट अवर मिनरल मेंटल हेल्थ एंड ब्यूटिफाई द नेचर. यह हमारी मेंटल हेल्थ को भी इंक्रीज करती है और हमारी नेचर को सुंदर बनाती है. सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज फिश प्रोवाइड अस फूड. कुछ एनिमल्स प्रजातियां ऐसी हैं जो हमें फूड देती हैं. थ्रेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड लाइफ के से रिलेटेड थ्रेट्स क्या हैं, किसके कारण ये नष्ट हो रहे हैं. डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का काटा जाना, जंगलों का नष्टीकरण, इसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है वो श्रिंक होती जा रही है, कमी आती जा रही है उसमें. और कॉज द एक्सटिंक्शन, इसी के कारण विलुप्त होने की प्रजातियों की जो विलुप्तिकरण है वो हमें देखने को मिलता है. एंड एंडेंजर्ड, और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरे में है, जिनके नष्ट होने का खतरा बना हुआ है. और इस वनस्पतियां और फना, फ्लोरा एंड फना दोनों चीजें, वनस्पति और वन्य जीव दोनों नष्ट हो रहे हैं. हंटिंग एंड पॉचिंग फॉर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए एनिमल्स का शिकार करना, उनको मार देना. रेकलेस हंटिंग फॉर स्पोर्ट, आनंद के लिए रेकलेस हंटिंग करना. ओवर फिशिंग और पॉल्यूशन, ये सब भी फ्लो ऑफ पॉइजनस केमिकल्स, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को रिवर्स में फ्लो कर देना, ये सब सीरियस रीजंस हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए खतरे का कारण बने हुए हैं. अब इसको कैसे समाधान किया जाए, इस क्राइसिस को कैसे मेंटेन किया जाए, वी मस्ट चेक द मैनिक ऑफ डेफोरेस्टेशन. हमें जो पेड़ों का कटना है उसको कम करना होगा, उसको नियंत्रित करना होगा. देयर मस्ट बी ए वर्ल्ड वाइड बैन, वर्ल्ड वाइड बैन होना चाहिए एनिमल प्रोडक्ट्स पर, उनके यूज यूटिलाइजेशन पर. देयर मस्ट बी चेक ऑन रेकलेस हंटिंग, रेकलेस हंटिंग को नियंत्रित किया जाना चाहिए. फॉर स्पोर्ट, जब हम अपने आनंद के लिए किसी एनिमल का शिकार करते हैं उसको कानूनी रूप से बैन कर दिया जाना चाहिए. देयर मस्ट बी कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन एमिगेटिंग फ्रॉम सीवेज, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी नियंत्रण किया जाना चाहिए. इंडस्ट्रीज के लिए, सीवेज में इस तरह के केमिकल्स को छोड़ने के लिए, शिपिंग वेसल्स के लिए, टू प्रिजर्व मैरीन लाइफ, जिससे कि समुद्री वन्य जीवन, जो समुद्री जीवों का लाइफ है उसको सुरक्षित किया जा सके. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ये क्या है. एंगेज इन इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, ये एक संगठन है जो वर्क करता है पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स. एक्टिविटी वर्किंग विद गवर्नमेंट्स, यह एक्टिवली वर्क करता है गवर्नमेंट के साथ. एंड द वर्ल्ड ओवर फॉर्मुलेट लॉ एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए कानून और नियम शर्तें लागू करता है. होपफुली दो ऑल दीज एफर्ट्स विल बी एबल टू बिल्ड ए फ्यूचर व्हेन पीपल विल लिव इन हार्मनी विद नेचर. हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो शायद हमारे फ्यूचर में आनंद के साथ साथ, पीपल्स के आनंद के साथ साथ नेचर के लिए भी सुखदायी होंगे. लेकिन इसके लिए हमारी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. इंडियन सिनेरियो, भारत का क्या रोल है. इन इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर बिलियंस ऑफ पीपल, ऐसी ऐसा भारत जहाँ पर बिलियंस ऑफ पीपल्स रहते हैं, लैंड पर एक बड़ा दबाव है. ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर हैज बीन रिमूव, जिसके कारण जो ओरिजिनल फॉरेस्ट है कवर है वो नष्ट किए जा रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया टुडे. फॉरेस्ट को कटने से बचाने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को निश्चित किया जा रहा है. इंडियाज रिच वाइल्ड लाइफ बेस इज वाइटल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. हमारे भारत में जो रिच वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो एक जीव स्थैतिकी बैलेंस को क्रिएट करती है. मैनी स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियां हैं एंड नियरिंग एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ डेफोरेस्टेशन, पेड़ों के कटने के कारण वो विलुप्त हो चुकी हैं. और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेशन, दिस इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, जो हंटिंग है शिकार है और पेड़ों का काटा जाना है, जंगलों का नष्टीकरण है, उसके कारण जो उनका रहने का स्थान है वो नष्ट होता जा रहा है. टू रैपिडली ड्विंडलिंग इन नंबर एलिफेंट्स, राइनोस, लायन, टाइगर, लैपर्स, नील गाइस एंड अदर इनहैबिटेड डिफरेंट फॉरेस्ट ट्रैप्स. अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले ये एनिमल्स तेज गति से इनकी संख्या में कमी होती जा रही है. बर्ड्स इंक्लूड्स पीकॉक, गीस, पीहेंस एंड डक्स, हॉर्न्स, क्रेन्स, ऑल्स एंड मेनी अदर्स. ऑड कलर्स इन टू फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट को कलरफुल बनाते हैं. इंडिया हैज ओवर 1500 स्पीसीज ऑफ फिश. हमारे भारत में लगभग 1500 प्रजातियां हैं फिशेज की जो रिवर्स और कोस्टल वाटर्स में पाई जाती हैं. तो इन सबको भी सुरक्षा देना जरूरी है. इफॉर्ट्स, अब क्या क्या
एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस तरह की समस्या को भारत में समाधान करने के लिए। कुछ मेजर्स जैसे कि सम एरियाज हैव बीन डिमार्केटेड एज जोन्स, ऐसे एरियाज उनको जोन, ऐसे जोन्स जो नष्ट हो रहे हैं उनको वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए उनको नेचुरल हैबिटेट जो प्राकृतिक वन्य जीवन के लिए एरियाज हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनको सैंक्चुअरीज के रूप में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, नेशनल पार्क के रूप में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंडिया हैज अबाउट 104 नेशनल पार्क एंड 551 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स हैं उनको भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए यूज किया जा रहा है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित एरिया डिक्लेयर कर दिए गए हैं, हैव बीन एस्टैब्लिश किए गए हैं टू कवर वैराइड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन जोन्स। इनफैक्ट दीज रिजर्वर्स अश्योर द सर्वाइवल ऑफ सेवरल स्पीसीज, यहाँ पर कुछ निश्चित प्रजातियां पाई जा सकती हैं और इनको एक्सटिंक्ट होने से रोका जा सकता है। 50 टाइगर रिजर्वर्स हैं यहाँ पर, हैव बीन सेट अप, जो निश्चित किए गए हैं वेरियस फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। सेवरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर्स हैव बीन इनिशिएटेड इन इंडिया, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किए गए हैं, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट, राइनोस प्रोजेक्ट, एलिफेंट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यूएनडीपी सी टर्टल प्रोजेक्ट ऑल्सो। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत में एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए लागू किए गए हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग के तहत कंडक्ट किया गया, इसके लिए हेल्प ली जाती है WWF की, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1969 और भारत में इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यहाँ पर मैप में आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज एंड बर्ड सैंक्चुअरीज को देख सकते हैं विद डिफरेंट सिंबल्स। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क वी विल डिस्कस इन क्लास, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। टिल देन थैंक यू।